नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीएस न्यूज 24 लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। वहीं हमारे संवाददाता से बातचीत के दौरान जेल अधीक्षक मिजाजी, मैंने कई महिला व पुरुष बंदियों को फटे व बहुत खराब हालत में कपड़े पहने हुए देखा, जिसमें महिला बंदियों के साथ रह रहे बेगुनाह मासूम बच्चों के पास भी अच्छे कपड़े नहीं दिखे। वहीं उन्होंने यद्यपि विचाराधीन बंदी अपने परिजनों से मंगवा कर कपड़ों की व्यवस्था करते हैं, सरकारी तौर पर उन्हें पहनने के लिए कपड़े उपलब्ध नहीं कराए जाते। जेल अधीक्षक महोदय ने यह भी बताया कि सरकारी तौर पर उन्हें पहनने के कपड़े उपलब्ध नहीं कराए जाते, जिससे गरीबी के कारण उनके घर वाले कपड़े उपलब्ध नहीं करा पाते। इसकी अत्यधिक आवश्यक व मानवीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए कई स्वयंसेवी संगठन व समाजसेवी लोगों से संपर्क किया गया। इस दौरान उन्होंने बताया गाजियाबाद के समाजसेवी राजा शैफी द्वारा सभी 62 महिलाओं, बन्नों, बच्चों हेतु साड़ियां, लेडीज सूट व बच्चों के सूट क्राफ्ट आदि उपलब्ध कराए गए। जेल अधीक्षक शाहजहांपुर मिजाजी लाल जी ने सभी सामाजिक संगठनों व समाजसेवी लोगों को शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जागरूक करते रहने का निवेदन भी किया। यूपी के जनपद शाहजहांपुर से उदय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। हर खबर सबसे पहले। इस खबर में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी खबर में यूपीएस न्यूज 24 लाइव के साथ।